तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो पिछले सीरीज़ के जो लेक्चर्स थे वो हमारे चैप्टर वन के से रिलेटेड थे, जिसका था व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। तो आज हम लोग नए चैप्टर से शुरू करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि चैप्टर का नाम है रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में कौन कौन से रिसर्च मेथड्स होते हैं, क्या क्या ट्राई होते हैं, एक्सप्लेनेशंस क्या क्या होते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशंस में हमारे थियोरेटिकल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसके भी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड टॉपिक होगा इसमें हमारा इस लेक्चर में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल जो थ्योरी स्टार्ट हुई है उसके बारे में, क्या उसका इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, कहाँ कहाँ से शुरू हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें हमारा ये एक्सप्लेनेशंस। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशंस क्या होता है? एक्सप्लेनेशन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमें एक्सप्लेन करना, क्या थी पहले क्या नहीं थी। जैसे कि एन आंसर टू अ वाई क्वेश्चन, मतलब क्यों ऐसे हुआ क्या क्यों वैसे हुआ। जैसे कि बोल सकते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा जो पानी है वो आइस बन जाता है, मतलब बर्फ़ पे बन जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों है, मतलब ये जो बीच में हमारा जो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। किसी भी रिसर्च में एक्सप्लेनेशन को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक है हमारे ये एसोसिएशन हो क्या होता है और दूसरा होता है थ्योरी। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप है वो हमारे एक्सप्लेनेशन के टाइप हैं। तो चलिए पहला पॉइंट जो है एसोसिएशन या फिर रिलेशनशिप, मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स हैं हमारे उनके बीच में क्या एसोसिएशन है या फिर क्या रिलेशनशिप है जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है या एक दूसरे की वजह से दूसरे के ऊपर कोई चेंजेस आता है। जैसा कि द ट्रूथ ऑफ द रिलेशनशिप इज सजेस्टेड बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मतलब जो रिलेशनशिप का जो ट्रूथ है सच्चाई वो कैसे पता चलता है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से। जैसे कि एक पानी का बॉटल लेते हैं उसे ठंडा करते हैं, ओके, तो हम ये ध्यान देंगे कि जब हमारा टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आएगा तो बर्फ़ जमेगा। ठीक है, फिर से अगर हम दोबारा फिर से सेम वही एक बॉटल पानी लेते हैं और उसे फिर से टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं तो हमारा वही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये बर्फ़ बन जाएगा। 32.1, 32, मतलब इसी एकदम बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा, वरना जो मेन हमारा रिजल्ट आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा जो पानी है वो बर्फ़ बन जाएगा। तो यही चीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा वाटर बर्फ़ बन रहा है आइस, इसी चीज़ का जो ये रिलेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन और रिलेशनशिप्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस अलाउज अस टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर और टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट हैज़ हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट, मतलब जो हमारा पास्ट में जो चीज़ हो चुका है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में हमारा क्या होगा। तो जैसे हमारा पास्ट में हमें इतना पता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा बर्फ़ बन जाता है, ओके, तो अब हमें ये पता है कि 32 डिग्री पे जब बर्फ़ बन जा रहा है इसका मतलब आगे भी बनेगा। तो हम इस बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जहाँ तक जब भी हमारा टेम्परेचर राइज होता है कहाँ पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो कोई भी पानी हमारा बर्फ़ बन जाएगा। इसे हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन अभी हमने इसको थ्योरी सॉल्व नहीं की है। एसोसिएशन यही चीज़ होता है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन का जो पहला पार्ट है एसोसिएशन, सिर्फ दो वेरिएबल्स की, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है या क्या एसोसिएशन है उसे डिफाइन करता है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है थ्योरी, थ्योरीज वो डिपेंड करता है दोस्तों कि जो हमारा एसोसिएशन है उसे डिफाइन करता है या फिर उसके डीप में जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको अभी पता चला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा पानी आइस बनता है, ओके, बर्फ़ बनता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही पानी हमारा बर्फ़ बनता है, क्यों 132 पे नहीं बनता या 246 पे नहीं बनता, ये सब क्यों रीज़न है। तो जो हमारा थ्योरी है उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से डिफाइन करता है क्यों पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ़ बनता है या क्यों सोसाइटी इस तरह से फॉलो करती है, ये कल्चर फॉलो करती है, क्यों करती है। अगर सोसाइटी के बारे में देखें तो हमारा एसोसिएशन डिफाइन करेगा कि हमारा एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी है वो सोसाइटी ए हमारा ये वाला कल्चर फॉलो करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीगेमी, ओके, पॉलीगेमी मतलब क्या होता है कि एक साथ कई सारे विवाह करना, एक आदमी का कई सारी वाइफ्स होना, ठीक है, ये बोल सकते हैं पॉलीगेमी। तो सोसाइटी और ये पॉलीगेमी मैरिज, इसके बीच का जो है एसोसिएशन रिलेशनशिप उसे हम एसोसिएशन कहेंगे। बट ऐसा क्यों है कि ये सोसाइटी पर्टिकुलरली यही सोसाइटी पॉलीगेमी करती है और जो सोसाइटी बी है वो पॉलीगेमी नहीं करती, तो इस बीच का जो डीप एनालिसिस होता है उसे हम थ्योरी बोलते हैं। दीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द ऑब्जर्व रिलेशनशिप दे आर इंटेंडेड टू एक्सप्लेन,
थियोरीज जो होती हैं एसोसिएशन से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि सूर्य आपका ईस्ट से निकलता है। ओके, ये हो गया हमारा एसोसिएशन कि मतलब ईस्ट मतलब सूर्य, सूर्य हमेशा ईस्ट से निकलेगा। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हमारा जो सन है वो ईस्ट से ही निकलता है, वेस्ट से क्यों नहीं निकलता? या फिर जो हमारा पानी गर्म होता है पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे गर्म होता है उस पर नहीं होता, ठीक है? तो इन सब के वजह से एक्सप्लेन करना हमारा एसोसिएशन या फिर किसी भी चीज़ में दो चीज़ों में वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम तो आसानी से बता सकते हैं, एसोसिएशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है कि ऐसा होता क्यों है आखिर, वो होती है हमारी थ्योरी। ओके, तो यही थ्योरी हमारी सबसे टफ होती है। इसी को बोला गया है कि देर आर मोर कॉम्प्लिकेट दीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओके, मोर कैम मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो सोसाइटी विथ लो प्रोटीन डाइट्स टेंड टू हैव लॉन्ग पोस्टपार्टम सेक्स टैबूज। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि हमारी एग्जांपल, एक रिसर्चर थे हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम था जॉन वाइटिंग। ओके, जॉन वाइटिंग, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था या फिर इस पे रिसर्च किया था कि सोसाइटीज़ विथ लो प्रोटीन डाइट्स टेंड टू हैव लॉन्ग पोस्टपार्टम सेक्स टैबूज। सोसाइटीज़ जहाँ पे प्रोटीन उनके डाइट में बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है, तो वहाँ पे उनका जो बच्चे के अंतराल होते हैं, मतलब जो उनके बीच का जो संभोग का टाइम होता है उसे लोग एक्सटेंड करके रखते हैं। क्यों करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, एक बेबी को जैसे होना है, मतलब एक चाइल्ड के बाद, जैसे अगर मान लीजिए कोई आज एक चाइल्ड हुआ, ठीक है, तो इसके बाद ये लोग कम से कम 1 साल 1 ईयर का गैप रखेंगे ताकि उनके लिए नेक्स्ट बेबी आए, या फिर उससे ज़्यादा रखेंगे, उससे पहले नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 साल से पहले अगर कर दिए तो जो हमारा पहला जो चाइल्ड है, जो हमारा फर्स्ट वाला चाइल्ड है, उसके लिए मदर मिल्क बहुत कम रहेगा। ओके, इसलिए वो लोग पोस्टपार्टम पीरियड को 1 साल से अधिक रखते हैं ताकि जो पहला बच्चा है हमारा उससे दूध काफ़ी दिनों तक मिले माँ का और वो हेल्दी रहे, उनके शरीर में प्रोटीन की कमी ना रहे। क्योंकि इनका जो डाइट है, जैसे कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, रूट्स को डाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो रूट्स को करने की वजह से, जैसे बनानास हो गया, आपका हो गया, कुछ कुछ फल्स होते हैं जो कि रूट्स को ये लोग कंज्यूम करते हैं, ये ट्राइबल पीपल या फिर ये सोसाइटीज़, तो उनके डाइट में क्या होती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब प्रोटीन की कमी की वजह से एक डिजीज़ होती है क्वासियरकोर। ओके, ये डिजीज़ हो जाती है प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है? तो इसलिए जो पहली एक चाइल्ड होगा, एक चाइल्ड के बाद दूसरे चाइल्ड के बीच में कम से कम 1 साल या उससे अधिक का ये लोग टाइम गैप रखते हैं। ओके, तो ये हमारा ये याद रखना दोस्तों कि मतलब ये जो भी ये एक्सप्लेनेशन किया गया था या फिर जो रिसर्च किया था उनका नाम जॉन वाइटिंग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंथ्रोपोलॉजी में। जैसा कि आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया है ऑप्शनल सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपने ऑप्शनल रखा है तो जो हमारा एग्जामिनर होगा या फिर जो यूपीएससी हमसे क्या डिमांड करेगी कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ही डीप तरीके से स्टडी करें इसे और अच्छे से रिसर्च करें और जो भी हमारे इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिल्कुल उसे कोट करें। तो इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट्स हमारी आती हैं, द थ्योरीज इज यूजली मोर कॉम्प्लिकेटेड कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एसोसिएशन यूजली स्टेट्स क्वाइट सिंपल दैट देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर मेजर्ड वेरिएबल्स। जैसे कि अब थ्योरी किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट में। जैसा कि आप एग्जांपल से ही बता दिया है कि सोसाइटीज़ विथ लो प्रोटीन डाइट टेंड टू हैव लॉन्ग पोस्टपार्टम सेक्स टैबूज, ठीक है? तो ये बहुत ही ईजी सा स्टेटमेंट है कि वो सोसाइटीज़ जहाँ पे लो प्रोटीन होती है वहाँ पे लॉन्ग पोस्टपार्टम सेक्स टैबूज का पीरियड होता है, मतलब नए बच्चे के लिए उन लोग 1 साल या 1 साल से अधिक का कह देते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल से स्टेटमेंट हो गया लो प्रोटीन इक्वल्स टू लॉन्ग पोस्टपार्टम सेक्स टैबूज। बट ऐसा क्यों है? तो इसके बिहाफ पे हमें कई सारे स्टेटमेंट्स जनरेट होंगे। अगर हम लोग इसे थियोरिकली पढ़ेंगे या फिर इसके ऊपर मोर रिसर्च करेंगे तो जो हमारी थ्योरी सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग इसमें कई सारे स्टेटमेंट आएंगे, कई सारे रीजंस आएंगे कि ऐसा क्यों है या क्यों वहाँ पे प्रोटीन की कमी है ज़्यादा, उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में प्रोटीन की कमी क्यों है, या फिर हो सकता है ऐसा रीज़न हो कि वो लोग ज़्यादा ही, मतलब कोई कल्चरल एस्पेक्ट हो कि आप
एक बच्चे के बाद आप लोग लगभग इतने साल का गैप रखे हैं, या फिर प्रोटीन का कोई वहाँ पे महत्व ही ना, कोई मीनिंग ना रहा हो, ठीक है? तो कई सारे हो सकता है कल्चरल हो, या फिर कोई एथिक्स हो, या फिर कुछ बातें हों ऐसी, उनकी प्रथाएं चल रही हों कि आपकी इतने इतने गैप होने चाहिए, ठीक है? या फिर जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ट्रैवल पेपर है तो इनका काम ही होता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे विजिट करना। तो हो सकता है कि जो ट्रैवलिंग में अगर आपके दो बच्चे हैं तो आप एक साथ दो बच्चे को कोई भी मदर उठाने में सक्षम नहीं रहेगी, सही नहीं रह पाएगी, इसलिए वो लोग टाइम देते हैं ताकि एक टाइम पे एक ही बच्चा उठे, दूसरा हमारा वो चलने के काबिल हो जाए, इसलिए वो लोग गैप देते हैं। तो कई सारे जो स्टेटमेंट्स जनरेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बिहाफ पे। नो मैटर हाउ मच द अवेलेबल एविडेंस सीम्स टू सपोर्ट अ थ्योरी, वी कैन नेवर बी सर्टेन इट इज़ ट्रू। तो मतलब कोई भी आपका अगर ऑब्जर्वेशन चल रहा है, कोई भी ऑब्जर्वेशन, तो उस पर कोई कितने भी सारे स्टेटमेंट्स दे दें, ठीक है, या फिर कोई कितना भी एविडेंस आपको मिल जाए, लेकिन हम ये श्योर नहीं कर सकते कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है या ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारा जो भी रिजल्ट निकला है ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ और सिर्फ वो सही ही होगा। ऐसा कोई हमारे पास अभी कंफर्मेशन नहीं मिल सकता है जब तक हम उसके बिहाफ पे पूरी तरह से रिसर्च न करें, पर्टिकुलर हर एक एस्पेक्ट से, हर एक एंगल से उस पे ऑब्जर्वेशन न करें या फिर उसका रिसर्च न करें, तो उसके बिना हम लोग इसे कंफर्म नहीं कह सकते कि हमारा जो भी स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी का इतिहास, मतलब कहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे शुरू हुआ, या किन किन कारणों की वजह से एंथ्रोपोलॉजी का एक जो मेन ब्रांच ही है, अलग से बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है, फील्ड है, इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब के बारे में हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें हर जो भी कंटेंट होगा उसके बारे में हम आगे भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारा पहला और जो दूसरा चैप्टर है इस बुक का, उसमें हम लोग नॉर्मली पूरे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा बिहाफ इसके बेसिक नॉलेज को जानते हैं, ठीक है? तो इसका जो फर्स्ट है लाइन, अर्ली इवोल्यूशन, मतलब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन एंथ्रोलॉजी इन द 19th सेंचुरी। मतलब हमारे 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजी का इवोल्यूशन बहुत ही तेज़ी से हुआ। मोस्ट सोसाइटीज पास थ्रू द सेम सीरीज ऑफ स्टेजेस टू अराइव अल्टीमेट एट अ कॉमन एंड। तो मतलब जो कई सारी हमारी जो सोसाइटीज़ होती है, जैसे मान लीजिए सोसाइटी ए हो गई, सोसाइटी बी हो गई, सोसाइटी सी हो गई, तो इन सब का जो भी मान लीजिए कॉमन एम क्या है, डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट हमारे इनका कॉमन एम है। तो सोसाइटी ए किस प्रकार से जाएगी, हो सकता है ये अलग वे या फिर अलग कल्चर, अलग मेथड के थ्रू, ये अलग कल्चर, अलग मेथड, अलग एस्पेक्ट्स के थ्रू जाएंगे, तो इन सब के बीच में जो डिफरेंसेस है वो तो रहेगा ही, उस सब के बारे में हमको पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू, बट इनका जो अल्टीमेट गोल है डेवलपमेंट वो होना है। तो इनका जो मेन फोकस है वो हमारा कॉमन एंड क्या है, डेवलपमेंट, बट ये लोग का किस किस तरीके से जा रहे हैं, या क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, या क्या क्या किस किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इनके जो रिचुअल्स क्या क्या हैं, उन सब के बारे में जो हम पढ़ना है वो हमारे एंथ्रोपोलॉजी के अंडर में आता है। एडवर्ड बी टेलर 1832 टू 1917 एंड लेविस हेनरी मॉर्गन 1818 टू 1881, देयर राइटिंग्स एक्सेम्प्लीफाइड द थ्योरीज दैट कल्चर जनरली इवॉल्व यूनिफॉर्मली एंड प्रोग्रेसिवली। तो जो कल्चर का इवोल्यूशन होता है, मतलब अलग अलग सोसाइटी में, सोसाइटी ए, सोसाइटी बी, सोसाइटी सी, सोसाइटी डी, तो जो सोसाइटीज़ के बीच में जो अलग अलग कल्चर्स का इवोल्यूशन होता है, रिचुअल्स का इवोल्यूशन होता है, कैसे कैसे एस्पेक्ट्स होते हैं, या फिर किस किस फील्ड वर्क इनके बीच में क्या क्या होता है इनके रिचुअल्स के बारे में, ठीक है? तो इन सब का जो कल्चर का इवोल्यूशन हुआ था, इसके बारे में जो राइटिंग्स दिए थे वो थे हमारे एडवर्ड बी टेलर एंड लेविस हेनरी मॉर्गन, ओके।
मॉडर्न साइंस रिगार्ड रेस एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड आइडेंटिटी असाइंड बेस्ड ऑन रूल्स मेड बाय सोसाइटी। तो सॉरी, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, ये आर हेड। ओके, रूल्स मेड बाय सोसाइटी मतलब एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के बीच में जो अलग अलग रूल्स होते हैं या जो रिचुअल्स होते हैं उससे हम लोग एक आइडेंटिटी की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि सोसाइटी ए में जो बंदे हैं ये बंदे और इसके जो बंदे हैं अलग ये हैं बी, तो इनके बीच में जो कल्चरल का जो होगा कल्चर्स होंगे, इसके बीच में जो अलग कल्चर्स होंगे, ये एक प्रकार से इनके लिए आइडेंटिटी का काम करता है इन्हें अलग अलग रेस में डिवाइड करने के लिए। रीज़न ह्यूमन कल्चर्स डिफर्ड इन देयर बिहेवियर वॉज बिकॉज दे रिप्रेजेंट सेपरेट सब स्पीसीज ऑफ ह्यूमन्स और रेसेस। कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा अर्ली ह्यूमन के जैसे हो गया, एक अगर हम लोग पहले के बारे में अगर देखें जो हमारा पास्ट था तो उसमें जो हमारा होमो इरेक्टस होते थे, ठीक है, होमो इरेक्टस और हो गया होमो सेपियंस, हम लोग जैसे हो गए होमो हैबिस हो गया, तो जो अलग अलग सोसाइटीज़ था इन लोग का, ठीक है, तो इनके बीच में अलग अलग कल्चर्स होते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रीजन्स ऑफ ह्यूमन कल्चर्स डिफर्ड, मतलब अलग अलग कल्चर्स क्यों होते थे, तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो स्पीसीज ही होती थी वो अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग होती थी। जैसे कि बोल सकते हैं होमो इरेक्टस, ठीक है, तो होमो इरेक्टस के बारे में कहा जाता है कि वो किसी और सोसाइटी के या फिर किसी और स्पीसीज़ के जानवरों को खाते थे, या फिर कह सकते हैं कि कभी कभी इंसानों को भी वो लोग खा सकते थे, ऐसा मतलब सुनने को आया था, या फिर इसके बारे में कुछ डिस्कशंस हुए थे पहले कि होमो इरेक्टस जो होते हैं कि वो होमो हैबिस हो गए या फिर ऑस्ट्रेलियापिथेकस ये सब के हो गए, मतलब कुछ एक दूसरे के लोग जान को मतलब खा सकते थे इंसानों को, उस तरह के बारे में इनके बारे में थे। तो अलग अलग सोसाइटीज़ हो गया, तो अलग अलग कल्चर्स तो होगा ही होगा, तो ये हो गया। ये सब हमारा रेस के थ्रू डिवाइड होता है कि मतलब रेस वही है कि मतलब अलग अलग ग्रुपिंग्स में लोगों का रहना। वाई थ्योरीज कैन नॉट बी प्रूफ, जैसे सोसाइटी ए हो गया सोसाइटी बी हो गया या फिर कल्चर ए हो गया कल्चर बी हो गया, तो इनके बीच में जो भी हमारा रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग बताते हैं या फिर उसको जब पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी के बारे में, तो वो थ्योरी ज़्यादातर गलत क्यों हो जाती है या पूरी तरह से सही क्यों नहीं होती या प्रूफ क्यों नहीं की जा सकती, तो इसके बारे में ये, बिकॉज मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन थ्योरीज आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड देयरफॉर नॉट डायरेक्टली वेरीफाइबल। तो जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं या फिर कोई भी एक सोसाइटी से, ठीक है, तो जैसा कि आप बोल सकते हैं कि जो हमारा लो प्रोटीन डाइट के जैसे लोग होते थे, ठीक है, लो प्रोटीन डाइट अगर जहाँ पे हो तो लॉन्ग पोस्टपार्टम जो पीरियड होता था वो 1 ईयर या फिर 1 ईयर से अधिक होता था, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बस इतना ही देखें कि अगर लो अगर हमारा प्रोटीन डाइट है तो हमारा ये लॉन्ग पोस्टपार्टम पीरियड होगा, तो हो सकता है ये इसका रीज़न कुछ और हो। जो भी हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते थे इन सब के बीच में, किसी भी दो चीज़ों के बारे में डिफाइन करना है उसके बीच में रिलेशनशिप के बारे में, तो वो पूरी तरह से एविडेंस हमारे पास नहीं होता था या करेक्ट नहीं होता था या उस पर हम लोग एश्योर नहीं हो सकते थे कि नहीं यही परफेक्ट है, हमारे सिर्फ और सिर्फ ये एजम्पन्स होते थे, इस वजह से हम अपनी उन थ्योरीज को प्रूफ नहीं कर सकते थे। जैसे कि एग्जांपल में बोल सकते हैं, व्हेन विथ बर्थ कंट्रोल अ फैमिली कुड स्पेस बर्थ विदाउट एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्स, सो वी वुड एक्सपेक्ट दैट कस्टम ऑफ पोस्टपार्टम एब्सिस्टेंस टू डिसअपियर। जैसे कि कोई भी अगर एक फैमिली में अगर हमारा एक चाइल्ड होता है, ठीक है, किसी भी एक फैमिली ए में एक चाइल्ड होता है, तो उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का जो चाइल्ड होगा, जो हमारा सेकंड चाइल्ड होगा, उसके बीच में टाइम गैप, अगर जैसे प्रोटीन की कमी है तो टाइम गैप 1+1 से ज़्यादा ईयर होगा, अगर प्रोटीन की कमी नहीं है तो ज़्यादातर सोसाइटीज़ में 1 ईयर या फिर उससे कम में भी बच्चे फिर हो जाते थे। तो इसी के बिहाव पे अगर हम बोला जाए कि सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से ही उन लोग का लॉन्ग पोस्टपार्टम पीरियड था, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो लोग बर्थ कंट्रोल की पॉलिसी को अपनाते थे या फिर किसी सोसाइटी में होता था कि आप एक चाइल्ड के बाद लगभग इतने टाइम का गैप होना चाहिए, उसके बाद आपका सेकेंड चाइल्ड हो, या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस में आप बच्चों को जैसे ले जा रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम बच्चों का लोड ज़्यादा न रहे एक ही माँ के ऊपर कि 2 से बच्चे या 3 बच्चे आप एक साथ लेके जा रहे हैं, तो वो पॉसिबल रहेगा नहीं चलने के लिए। तो कल्चर्स के थ्रू या फिर कुछ रीजंस के थ्रू भी हो सकता है कि उन लोग का लॉन्ग पोस्टपार्टम पीरियड हो, भले वहाँ पे आपको प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी ना हो, प्रोटीन अबंडेंस मात्रा में मिले। फाल्सिफिकेशन, शोइंग दैट अ थ्योरी सीम्स टू बी रॉन्ग बाय फाइंडिंग द इम्प्लीकेशंस और प्रेडिक्शंस डिरिवेबल फ्रॉम इट आर नॉट कंसिस्टेंट विथ ऑब्जेक्टिवली करेक्टेड डाटा।
तो मतलब जैसे आपने किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया कि ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, और उसके बाद में जब आपने उसके बारे में पूरा रिसर्च किया या थ्योरी पूरी तरह से जनरेट की, तो वो थ्योरी पूरी तरह से गलत हो गई, तो इसे हम बोल सकते हैं फॉल्सिफिकेशन। एक पॉइंट आता है फिर हमारा बोसियन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। बोसियन एंथ्रोपोलॉजी स्कूल विद इन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेड बाय फ्रेंच बोस। एक अमेरिकन में स्कूल था, उसका जो फाउंडर थे वो फ्रेंच बोस, इन्हीं के नाम पे ही हमारे ये टॉपिक रखा गया है, बोसियन एंथ्रोपोलॉजी। ही अपोज्ड एजम्पशंस ऑफ यूनिवर्सल लॉस गवर्न ऑल ह्यूमन कल्चर। मतलब जो एक हमारा जो स्टेटमेंट था, यूनिवर्सल लॉस गवर्न ऑल ह्यूमन कल्चर, मतलब यूनिवर्स का लॉ है वो पूरी तरह से ह्यूमन कल्चर को कंट्रोल करता है या फिर गवर्न करता है, तो ये इसके खिलाफ थे, ये अपोज करते थे उसे। बोस ऑल्सो स्ट्रांगली अपोज्ड रेस थ्योरी। ये रेस थ्योरी को भी कॉन्सेप्ट, रेस का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी पूरी तरह से अपोज करते थे। एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेरिएशन दैट डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ सपोजली रेशियल कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली वेरी डिपेंडिंग ऑन वेयर अ पर्सन ग्रीव अप। मतलब इनका जो है रेस थ्योरी पे पूरी तरह से अपोज करते थे, और इनका एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था किस पे, ह्यूमन वेरिएशन। ह्यूमन वेरिएशन मतलब जो ह्यूमंस की आज के समय में, या फिर बोल सकते हैं हमारे जो हिस्ट्री के टाइम, अभी बोल सकते हैं अराउंड 5,000 साल के इधर, ठीक है, तो जो जो ह्यूमंस के बीच में इवोल्यूशन में जो वेरिएशन आया है, अलग अलग कल्चर्स जो हुआ है जनरेट हुआ है, जो सोसाइटीज़ हुए हैं, ठीक है, तो उनके भी बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। ही एडवोकेट द एसेंस ऑफ साइंस इज़ टू मिसट्रस्ट ऑल एक्सपेक्टेशन एंड टू रिलाय द फैक्ट्स। तो इनका जो मेन पॉइंट था, जो हमारा इनका जो मेन सिद्धांत था या कहना था, कि जो हमारा साइंस है, ठीक है, साइंस का काम ही है कि सारे जो हमारे मिस्ट्रस्ट हैं या फिर जो भी गलत अफवाहें हैं या कोई भी चीज़ जो एक्सपेक्ट, जो भी दो चीज़ों के बारे में हमारे एसोसिएशंस है या रिलेशनशिप हैं, यदि उनके ऊपर पूरी तरह से थ्योरी नहीं मिली है तो हम उसे पूरी तरह से गलत गलत माने, ठीक है, मतलब उसे बिल्कुल पूरी तरह से हम ये ना बोल दें कि नहीं यही सही है, उसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है। तो उसका काम ही है साइंस का कि किसी भी चीज़ को मिसट्रस्ट करे सारे एक्सपेक्टेशंस को, और सिर्फ एक ही बात पे यकीन रखे जो है हमारा फैक्ट। हमारा फैक्ट क्या है, जो किसी चीज़ के बारे में हमने रिसर्च किया उसके बाद, जैसे कि हमारा 32 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमता है, पानी, हाँ बर्फ़ बन जाता है पानी। तो एंथ्रोपोलॉजी में इकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या क्या हैं, जूलियन स्टेवर्ड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एडवोकेट द स्टडी ऑफ कल्चरल इकोलॉजी। तो सॉरी ये फोटो यहाँ पे इनकी इस स्लाइड में ही भी रह गई है, तो यहाँ पे ये हमारे जो फ्रेंच बोस थे, यहाँ पे फोटो नहीं है वो। तो कल्चरल इकोलॉजी क्या होता है, द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ कल्चर एंड इट्स इन्वायरमेंट। कोई भी कल्चर है, कोई भी सोसाइटी का कल्चर और उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट, जैसे कि बोल सकते हैं हमारा कोई भी एक सोसाइटी है, उसके बीच में जो रिचुअल्स चलते रहते हैं और उसके आसपास के इन्वायरमेंट, उस टाइम का कैसा इन्वायरमेंट था, या फिर कैसे कैसे एनिमल्स उस टाइम पे, हमारे एनिमल्स जो जो होते थे, एनिमल्स होते थे उनके बीच पहले उस टाइम के जो ट्रीज होते थे, या उस टाइम का जो टेम्परेचर हुआ करता था, ग्लोबल टेम्परेचर, तो ये सब सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं या फिर इस पर्टिकुलर कल्चर और ये जो एक इन्वायरमेंट है हमारा, उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में एनालिसिस करना किसका काम है, कल्चरल इकोलॉजिस्ट का। तो कल्चरल इकोलॉजी द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड इट्स इन्वायरमेंट। फिर यहाँ पे आता है इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट्स अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेड्स इन दैट इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस बिहेविंग सर्टेन डिफरेंट वेज हैज़ अ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सक्सेस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन एंड कंसिक्वेंटली इन द ट्रांसमिशन ऑफ देयर वेज ऑफ बिहेविंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसका मतलब यही है कि अलग अलग जो हमारी सोसाइटीज़ हो गई हैं, जैसे कि हमारा सोसाइटी ए हो गई, सोसाइटी बी हो गई, तो इनके बीच में अलग अलग कल्चर्स ही होंगे, अलग अलग इसके कल्चर होंगे, अलग कल्चर इसके होंगे, इन दोनों का कल्चर्स मतलब जैसे डिफरेंट होगा, तो उनके बाद जो इनके बच्चे आएंगे, उनके जो नया जनरेशन आएगा उनका भी कल्चर अलग ही होगा, इसका भी कल्चर अलग होगा, तो इस तरीके से जो इन लोग का एक कल्चर्स को दूसरे कल्चर, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कल्चर का जाएगा तो वो भी डिफरेंस होगा। तो ठीक है, तो डिफरेंट पॉपुलेशन जैसे हैं बिहेविंग डिफरेंट वेज, अलग अलग डिफरेंट तरीके से वे बिहेव कर रहे हैं लोग, तो इनके बीच में जो सर्वाइवल्स का होगा, सक्सेस का सर्वाइवल है, मतलब जैसे इसका बोल सकते हैं कि इसमें 1,000 लोगों, 1,000 में से 50 लोग इसमें डेथ हो जाते हैं बर्थ के टाइम पे, इसमें 1,000 लोगों में से 5 लोग डेथ मरते हैं, 5 लोगों का डेथ होता है,
तो अलग अलग कल्चर्स के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बीच में सर्वाइवल्स का होता है, रिप्रोडक्शन का होता है, कि मतलब हो सकता है इसमें ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इस एरिया में हो और ज़्यादा डेथ भी हो, इसमें कम डेथ हो लेकिन कम बच्चे भी हों। तो अलग अलग जो सोसाइटीज़ हैं कल्चर्स के थ्रू अलग अलग इन लोग का इन्वायरमेंट भी होता रहता था, और इसी वजह से इनका जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इनके कल्चर्स का जो ट्रांसमिशन होता था वो भी होता था, इसलिए इन लोग का जनरेशन से जनरेशन में अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एक आता है एडेप्टिव। एडेप्टिव क्या होता है? मीन्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू गेट देयर जीन्स इन टू फ्यूचर जनरेशन। मतलब यदि बोल सकते हैं कि एक पेरेंट है, ठीक है, तो उनका जो बेटा होगा, ठीक है, इनका जो सन होगा, इनके कुछ जीन्स होंगे या फिर कुछ इनके हेरिडिटी होगी या फिर इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट खूबियाँ हो सकती हैं, ठीक है, तो इसके में भी जाएगी। अगर बोल सकते हैं कि अगर पिताजी क्या बोल सकते हैं, हाँ, पिताजी बहुत ही गोरे हैं, ठीक है, मान लीजिए इनके गोरे हैं, ओके, फेयर इनका कलर, तो हो सकते हैं चांसेस ज़्यादा होंगे कि इसका इनका बच्चा भी गोरा होगा, या अगर इनके पिताजी लंबे हैं तो इनके बेटे भी लंबे होंगे। तो ये सब हमारा एडेप्टिव होता है, मतलब एक जीन्स ट्रांसफ़र होता है। डुअल इनहेरिटेंस क्या होता है? रिफर्स टू बोथ जीन्स एंड कल्चर प्लेइंग डिफरेंट बट नॉनसलेस इंपॉर्टेंट एंड इंटरेक्टिव रोल्स ऑन ट्रांसमिटिंग ट्रेड्स टू फ्यूचर जनरेशन। ड्यूअल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, अगर एक जनरेशन जनरेशन वन से जनरेशन टू के बीच में जो भी हमारा हेरिडिटी आती है वो कल्चरल भी हो, मतलब बोथ हो, ठीक है ना, बोथ जींस का हो, कल्चरल भी हो और जो हमारा नॉर्मल हेरिडिटी आती है वो भी हो, तो इसे हम लोग डुअल हेरिटेंस बोल सकते हैं। अब आता है हमारा इंटरप्रेटिव अप्रोचेस। क्लिफोर्ड ग्रिज्स 1926 टू 2006 पॉपुलराइज द आइडिया दैट अ कल्चर इज़ लाइक अ लिटरेरी टेक्स्ट दैट कैन बी एनालाइज फॉर मीनिंग। तो जो क्लिफोर्ड ग्रिड्स ने एक आइडिया दिया था कि कल्चर एक नॉर्मल सा लिटरेरी टेक्स्ट है जिसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, उनकी मीनिंग्स के बारे में जान सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोई भी कल्चर है अगर किसी भी सोसाइटी में तो उसके बारे में हम जानना, उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना या फिर उसके बारे में थ्योरी रिसर्च करना, सब कुछ हम लोग पूरी तरह से कर सकते हैं। तो इनका मानना ये था, ठीक है। तो एथनोग्राफर्स आर काइंड ऑफ सेलेक्टिव इंटरकल्चरल ट्रांसलेटर। एथनोग्राफर्स जो होते हैं, कोई भी एक सोसाइटी है, अ सोसाइटी बी है, तो इसके बीच इसके जो कल्चर्स होते हैं, फिर आप जानते हैं कि जैसे एथनोग्राफर्स वगैरह हो गए, किसी भी अगर सोसाइटी के बारे में अगर उनको जानना है, सोसाइटी में क्या क्या कल्चर्स हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, तो वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उस सोसाइटी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, एक कल्चर है हमारा, ठीक है, एक ट्राइबल ग्रुप है, और आपको उसके बारे में पूरी तरह से रिसर्च करना है, तो आप बाहर से थोड़ी देख सकते हैं, बाहर से तो आपको सब सेम दिखेंगे कि आदिवासी की तरह दिखते हैं, जानवरों को खाते हैं, मारते हैं, नॉर्मल चलेगा। लेकिन अगर आप उनके बारे में डीप अगर जानना चाहते हैं, अच्छे से उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ रहना होगा, उनके साथ घुल मिलकर रहना होगा। तो इनके बीच में जो कल्चर्स है उनको जानने के लिए लोग इनके साथ रहते हैं, तो एक प्रकार से ट्रांसलेटर का काम करता है कि इनके बारे में जो ट्राइबल पीपल का जो लैंग्वेज होगा उसको समझना, अपनी लैंग्वेज इनको समझाना, इस तरह से। इंटरप्रेटिव एथनोग्राफिक्स प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द अदर कल्चर। ये जो हमारा इंटरप्रेटिव प्रोसेस होते हैं इसके एंथ्रोपोलॉजी का, इससे हम लोग एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बारे में भी जान सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ले लें कि जैसे हमने अभी देखा कि हमारे स्पीसीज, ठीक है, होमो सेपियंस हैं, और हमारे जो पहले होता था होमो हैबिस, होमो इरेक्टस, ये सब हमारे होते थे, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस सिडिबा, नेथर नेदरलैंड्स, ये सब जो होते हैं, इनके बीच में एक सोसाइटी को जानो तो उसके बाद आप उनके पीछे वाले को जान सकते हो, उससे पहले को जान सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो होता है हमारा, इसके भी अप्रोचेस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों अभी इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को सिलेबस के तौर पे या फिर ऑप्शनल के तौर पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।